हमने बहुत जगहों में देखा है कि जितने लोग बोलते हैं कि हमको डायबिटीज है, उससे कम से कम दो गुना ज्यादा लोगों को डायबिटीज होता है और लगभग दो गुना ज्यादा लोगों को प्री डायबिटीज भी होता है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो लगभग 8.5% लोगों को डायबिटीज है और 15% लोगों को प्री डायबिटीज है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कौन सी टेस्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि आप प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित, आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है कितने लोगों को डायबिटीज और कितने लोगों को प्री डायबिटीज है? हमने बहुत जगहों में देखा है कि जितने लोग बोलते हैं कि हमको डायबिटीज है, उससे कम से कम दो गुना ज्यादा लोगों को डायबिटीज होता है और लगभग दो गुना ज्यादा लोगों को प्री डायबिटीज भी होता है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो लगभग 8.5% लोगों को डायबिटीज है और 15% लोगों को प्री डायबिटीज है। बहुत सारे लोग, जब मैं पूछता हूं कि आपको डायबिटीज है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको तो कोई डायबिटीज नहीं है। लेकिन जब उनकी हम टेस्ट कर करते हैं तो पता चलता है कि इनमें से काफी लोग डायबिटिक है। तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए, डायबिटीज ये काफी खतरनाक बीमारी है, उसके कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर सही समय पर अगर इसका डायग्नोसिस हो जाएगा और आप लोग हमारी ये दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, तो 3 से 6 महीने के अंदर आप जरूर नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप ये इस बीमारी के बारे में जल्दी इसका डायग्नोसिस कर सके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कौन सी टेस्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि आप प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपको मालूम है कि बहुत बार लोग ब्लड शुगर करके पता करने की कोशिश करते हैं कि उनको डायबिटीज है या नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि हमारी इंडियन मेंटालिटी ये है कि हम डायग्नोज होने से डरते हैं। हमको बीमारी के बारे में डर नहीं है, लेकिन डायग्नोज होने का डर है। तो अगर मैंने आपको बोला कि कल आपको शुगर टेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे? आज मीठा बिल्कुल नहीं खाओगे, खाना भी कम खाओगे, हो सकता है 7-8 किलोमीटर आप दौड़ के भी आ जाओ। तो कल अगर हम आपकी शुगर करेंगे तो वो नॉर्मल निकलेगी, क्योंकि वो 24 घंटे का रिफ्लेक्शन है। लेकिन ब्लड शुगर के माध्यम से भी पता चल सकता है कि आप प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो। तो जब खाली पेट आपकी शुगर हम लोग या ब्लड ग्लूकोज करते हैं, तो नॉर्मल व्यक्ति में 100 के नीचे होना चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे के बाद जब करते हैं तो वो 140 से नीचे होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, उसको डायबिटीज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 101 से लेके 125 तक और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर 141 से 199 तक है, तो उसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज। और अगर किसी का ब्लड शुगर खाली पेट 126 या उससे ऊपर है या खाना खाने के 2 घंटे के बाद 200 या उससे ऊपर है, तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज। लेकिन ब्लड शुगर से भी ज्यादा एक और तरीका है जिससे हम आसानी से इसका पता कर सकते हैं कि आप डायबिटिक हो या प्री डायबिटिक। इस टेस्ट को बोलते हैं HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज हमको बताता है। तो 5.6 तक ये नॉर्मल होता है, 5.7 से लेके 6.4 तक इसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज, और अगर 6.5 या उसके ऊपर गया तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज। तीसरे जो टेस्ट है वो है फास्टिंग इंसुलिन लेवल। याद रखिए, मैं ग्लूकोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसुलिन नाम के हार्मोन की बात कर रहा हूँ। तो जब आप लैब में जाओगे तो उनको खास आपको बोलना पड़ेगा कि हमें फास्टिंग इंसुलिन करना है। अब ये फास्टिंग इंसुलिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें 0 के नजदीक होना चाहिए, कम से कम 10 के नीचे तो होना ही चाहिए। अगर 10 के ऊपर है तो उसको बोलते हैं हम प्री डायबिटीज। तो दोस्तों, इस तरह से ब्लड शुगर
HbA1c फास्टिंग इंसुलिन ये टेस्ट करने से आपको पता चलेगा कि आप नॉर्मल हो, प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो। लेकिन दोस्तों कोई भी नतीजा निकले इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक भी हो और आपने मेडिसिन स्टार्ट नहीं किया है तो मुझे यकीन है कि दीक्षित लाइफस्टाइल से 3 या 6 महीने के अंदर आप नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन को 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। कम से कम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद वाली काली या हरी चाय, पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।